नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ना नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां दरौली में अनियंत्रित ट्रक ने पिता पुत्र को रौंदा, पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप। बताते चले कि घर से बाजार करने साइकिल सवार होकर जा रहे थे पिता पुत्र। मृतक सिलाई का काम कर परिवार का करता था भरण पोषण। बता चले कि दरौली मुख्य मार्ग के करम गांव के नज़दीक मैरवा की तरफ से दरौली की ओर जा रही एक तेज़ रफ्तार में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को रौंद डाला, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही दरौली प्रखंड के क्रोम पंचायत के समाजसेवी नीरज कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे, जहां फौरन में दोनों को इलाज हेतु मैरवा रेफर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पिता की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सिवान अस्पताल रेफर कर दिया। सिवान लाने के क्रम में घायल पिता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उमर अली, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और उनका पुत्र सिराजुद्दीन अली 22 वर्ष जिसकी उम्र है, बताया जा रहा है। हम लोग ट्रक बहुत तेज गया, कोई मार दिया एकदम तेजी में। अब हमारा फेंका गए, ज़्यादा टाइम एकदम देती हो गए। कहाँ पे? पुल के पास, करोम में। कौन थाना होगा? दरौली थाना। घर कहाँ है आपका? करोम। करोम में है। कहाँ से जा रहे थे? बाजार से जा रहे थे, बाजार। और से बाजार जा रहे थे। उमर अली हैं, इनके ये पुत्र हैं, दोनों आदमी बाजार जा रहे थे। ये चला रहे थे, पीछे बैठे हुए थे, करोम से निकल के बौना बाजार जा रहे थे। बीच में ट्रक वाला ने इनको मार दिया और मार के भाग रहा था सर, जा कर के दोनों में पकड़ा गया और इनको लेकर आए हम लोग मैरवा। मैरवा से रेफर हुए सिवान, है सिवान आकर अस्पताल में डेट कर गए। मृतक का नाम बता दीजिए। मृतक का नाम उमर अली है सर। इनके साथ कौन थे? इनके पिता बेटे थे सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन ये क्या करते हैं मृतक? मृतक सिलाई का काम करते हैं सर। कहाँ पर? वही इंग्लिश मोड़ पे। आप अपना नाम बताइए। मजदूरी करते हैं, इनका लड़के हैं सिराजुद्दीन।